हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साबी महली किचन। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज़ फ्राइड राइस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने दो बड़े कप चावल पके हुए लिए हैं। बीन्स हाफ कप लिया है कटा हुआ, गाजर लिया है हाफ कप कटी हुई, मटर लिया है हाफ कप, शिमला मिर्च हाफ कप, प्याज एक बड़ा कटा हुआ, चिली सॉस लिया है 1 से 1.5 चम्मच, दो हरी मिर्च कटी हुई, सोया सॉस लिया है 2 चम्मच, अदरक 1 छोटा टुकड़ा कटा हुआ, लहसुन 4 से 5 कलियाँ कटी हुई, विनेगर 1.5 चम्मच और नमक स्वादानुसार। तेल ले लिया है फ्राई करने के लिए। अब हम चलते हैं सब्जियों को फ्राई करने की तरफ। एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। तेल गरम होने पर इसमें हम डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। एक बार चला देते हैं। इसमें हम डालें बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन, मिला दें इसे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। मिला दें प्याज को। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और प्याज जो है 50% तक फ्राई हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे बीन्स हाफ कप कटी हुई, गाजर हाफ कप कटा हुआ, शिमला मिर्च हाफ कटी हुई, मटर हाफ कप। मिला दें सबको। सब्जियों में आप अपने पसंद के सब्जियां कोई भी ले सकते हैं। फ्लेम को हमें हाई रखना है। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। मिला दें नमक को सब्जियों के साथ अच्छे से। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें हल्का सा इसे भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पका हुआ चावल। चावल को फैला दें सब्जियों के ऊपर अच्छे से। चावल को डालने के बाद अब हम चावल को सब्जियों के साथ अच्छे से मिला देंगे। चावल को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि चावल हमने पके चावल ही लिए हैं। सब्जियों के साथ चावल को अच्छा से मिला दें। मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, सोया सॉस के साथ चिली सॉस। मिला दें इसे। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसे चिली सॉस 2 चम्मच की जगह आप 4 चम्मच का भी यूज कर सकते हैं। हमें इसे 20 से 30 सेकंड तक चलाते रहना है। 20 से 30 सेकंड चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे विनेगर। मिला दें अच्छे से विनेगर को चावल के साथ। ये फ्राइड राइस बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिला दें अच्छे से। बचे हुए चावल को आप झटपट बनाइए, इस तरीके से आपको बहुत पसंद आएगा और ये बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल खिले खिले हैं, देखने में भी कितने सुंदर हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।